When summers are fading away and winter is coming, what will be the best travel destination to travel in India? And my answer will be Jaisalmer in Rajasthan. और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप जैसलमेर में सिर्फ दो दिन के लिए हो तो आपको वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए। वेलकम टू जैसलमेर। तो पहली बात तो ये कि हम पहुंच गए हैं धरती धोरारी खमाकनी। आपका स्वागत है राजस्थान में। थोड़ा बेटर करते हैं। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज शक्ति एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग मंडेज। वेलकम टू जैसलमेर। तो कहानी समझाता हूँ आपको। मेरा कैमरा का ऑन कैमरा जो माइक है रोड का, वो नॉर्थ ईस्ट में गिर गया था और मेरा जो क्रेन है उसकी बैटरी का चार्जर भी वहीं रह गया है और मेरा जो गोप्रो है उसकी जो स्क्रीन है वो काम नहीं कर रही है। ये सब के होते हुए भी क्या मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल चिल वाइब्स वाली YouTube वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या लगता है आपको? एंड द आंसर इज डैम यस। नॉर्थ ईस्ट का खतरनाक मैंने अपना ट्रेलर रिलीज किया जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं दो दिन के लिए चिल करने आया हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है भीम सिंह सोलंकी और वो काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहा था कि बन्ना अठी ने विराजो अपनों कैंप है। तो ट्रेन की टिकट बुक की और मैं पहुँच गया जैसलमेर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरे दोस्त का कैंप साइट है ये कैसा है और इसका नाम है डेजर्ट सफारी कैंप। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब भी आप जैसलमेर आना चाहें डेफिनेटली कम टू दिस कैंप, यू विल गेट डिस्काउंट्स। बाकी सब चिल है। तो आपको दिखाता हूँ कैंप हमारा, चलो। ये है हमारा कैंप। वाओ, इजंट इट ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई विल सजेस्ट यू विल बी स्टेइंग इन अ कैंप साइट व्हिच इज इन सैम विलेज। अगर आप चाहो तो आप ओल्ड सिटी के किसी होम स्टे में भी रुक सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर आप केवल कुछ घंटों के लिए डेजर्ट सफारी के लिए आओगे। बट इफ़ यू वॉन्ट टू फील डेजर्ट इन रियल, आई विल सजेस्ट यू टू स्टे हेयर। हेयर एट वन मोमेंट यू विल वॉक अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम कैंप साइट एंड यू विल फील कम्प्लीटली डेजर्टेड। एंड एट अदर मोमेंट यू कैन गेट कम्फर्टेबल एंड कोजी इन दिस रॉयल स्टे, आई मीन एक्सपीरियंस। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं ओल्ड सिटी जाके। और जैसे कि जयपुर में एक ओल्ड सिटी है, उदयपुर में ओल्ड सिटी है, जैसलमेर में भी ओल्ड सिटी है। चलते हैं, यहाँ से हम लोगों ने टैक्सी ली है। यहाँ से भी ओल्ड सिटी का टैक्सी का कॉस्ट होता है 1200 और 1500। और ड्यून से अब पहुँचेंगे ओल्ड सिटी और हम लोग जाएंगे यहाँ से फोर्ट और थोड़ा सिटी विटी घूमेंगे। आई ट्राई टू गिव यू गाइस द वाइब्स फ्रॉम जैसलमेर, सो एंजॉय द शो, एंजॉय द वाइब्स एंड अगर आप सुबह के 10 बजे निकल गए हो तो रास्ते में जैसलमेर के ऑथेंटिक नज़ारों को एंजॉय करते हुए यू शुड हैव मेड इट टू ओल्ड सिटी बाय 11 AM। एंड हियर इवन फ्रॉम अ फार डिस्टेंस यू कैन स्पॉट दिस मैजेस्टिक फोर्ट ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर फोर्ट पहुंचते ही मेन गेट पर आपको एक कलरफुल स्टॉल्स दिखाई देंगी। अगर आपको अपने किसी संबंध स्पेशल के लिए राजस्थानी झुमके या चूड़ियाँ लेनी है तो आप ले सकते हैं। एंड देन हेड टू दिस हिस्टोरिकल फोर्ट विच इज 800 years ओल्ड। इस किले को महाराजा रावल जैसल ने 1156 में बनवाया था। दिस एंटायर फोर्ट इज बिल्ट विथ येलो सैंडस्टोन, इसलिए जब भी इस पर धूप गिरती है इट शाइन्स लाइक गोल्ड एंड दिस इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया और स्वर्ण किला। मम्मीया, दिस इज फ्रॉम इजराइल फ्रॉम माय होम टाउन। सो दिस इज जैसलमेर फोर्ट राइट बिहाइंड मी। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस फोर्ट इज दैट आई एम सॉरी अबाउट द बाइक साउंड। जैसलमेर फोर्ट की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। सो इट्स या यू लिविंग फोर्ट इन इंडिया और बहुत रेयरली होते हैं। मुझे पता नहीं है कि ऐसा कोई फोर्ट है भी या नहीं। एंड यस, दैट्स ट्रू, इट इज द ओनली लिविंग फोर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड। जैसलमेर फोर्ट में अभी भी 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं एंड दिस इज व्हाई जैसलमेर फोर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। फोर्ट से आने के बाद इट मस्ट बी लंच टाइम, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी तो आप यहाँ की हवेलियाँ देख सकते हैं।
सलीम की हवेली एंड पटवाओं की हवेली इज रिकमेंडेड। बट इन केस इफ यू आर हंग्री तो आप गड़ी सागर लेक के पास हेलो कैफे में लंच और थोड़ी धूप कम होने तक चिल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द डे यू कैन वॉक फॉर फ्यू मिनट्स टू रीच गड़ी सागर लेक। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जैसलमेर में कोई लेक भी है। सो सूदिंग इट इज। जैसलमेर फोर्ट से 2 किलोमीटर दूर इस लेक को महाराजा रावल जैसल ने ही बनवाया था टू कंप्लीट द वाटर नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द फोर्ट एंड अराउंड द सिटी। सम प्लेसेस आर जस्ट नॉट प्लेसेस, दे हैव दिस वाइब दैट कैन हील यू एंड कैन गिव यू द मेमोरीज दैट यू विल नेवर फॉरगेट। After chilling for some time at Gadi Sagar Lake, you should get back to your campsite before 5 p.m. so that you can take your Thar to desert and you have enough light to experience Thar bashing, camel ride or maybe camping. And I have tried to film this experience to virtually give you guys this vibe in this cinematic and musical style. तो ड्यून्स में सनसेट का फील लेने के बाद व्हाइल कमिंग बैक यू कैन थैंक मी फॉर सजेस्टिंग यू गाइस स्टेइंग इन अ कैंप साइट बिकॉज़ नाउ यू कैन एंजॉय राजस्थानी कल्चरल फोक डांस एंड फायर शो परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ लोकल आर्टिस्ट फ्रॉम जैसलमेर।
भले ही आपको राजस्थानी गानों पे डांस ना आता हो, लेकिन पंजाबी पे सबको आता है। तो इसके बाद बॉनफायर के चारों तरफ चक्कर बनाकर रैंडम लोगों के साथ डांस करते हुए डे वन ऑफ जैसलमेर ट्रिप कम्स टू एन एंड। मैंने कुछ ही दिनों पहले डिसाइड किया था कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगा एटलीस्ट एक सुबह जल्दी उठकर सनराइज़ देखूँगा। अगर आप भी रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठोगे तो आप ड्यून्स में सनराइज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने बचपन में अपनी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे दोहे कविताएँ जैसलमेर की मिट्टी के बारे में पढ़ी है और उन सब कविताओं में जैसलमेर की मिट्टी को गोल्ड से सिम्बलाइज किया है। एंड दैट इज़ बिकॉज जब सूरज की पहली किरणें इस मिट्टी पर गिरती है, सैंड स्टार्ट्स टू शाइन ब्राइट लाइक गोल्ड। और कैंप साइट में वापस आने के बाद एंड आफ्टर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट व्हेन यू आर रेडी फॉर द डे, आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आप बाइक से आए हो तो आप इंडिया पाक बॉर्डर पर लॉन्गे वाला जा सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट इनटू राइडिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कलाकारों की ढानी कन्होई विलेज में आओ। इस ढानी में फोक आर्टिस्ट की फैमिलीज रहती हैं। यहाँ उनके घर पर आकर उनकी फैमिली से मिलकर उनके सामने खाट पर बैठकर राजस्थानी फोक म्यूजिक को लाइव सुनना गेव मी गूज़बम्प्स। They performed few Rajasthani songs and I'll try to give you a glimpse and feel of that. Kaathi bande pagdi dil chode mar kaade bagora pakna e to pugal kar di jawar के पास में एक छोटी सी ढाणी है जिसको बोलते हैं कलाकारों की ढाणी। और जो अभी सेशन हुआ मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि लोग कितनी जल्दी सेटअप कर रहे हैं। सब लोग इधर उधर जा रहे थे, उन लोगों ने जल्दी से पूरा सेटअप किया, वो लोग बैठ गए और उसके बाद जो फील आई ना एकदम प्योर राजस्थानी, एकदम बहुत मज़ा आया। कन्होई विलेज में फोक म्यूज़िक इन्जॉय करने के बाद अगर आपका हॉन्टेड स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आप जैसलमेर से 40 किलोमीटर की ड्राइव करके खाबा फोर्ट पहुँच सकते हो। खाबा फोर्ट और अबैंडन्ड विलेज मरुधरा के बारे में कुछ मिस्टीरियस कहानियाँ आपने भी सुनी होगी,
And this is how exactly this place looks like and till now have this mysterious and haunted vibes. खाबा फोर्ट एक गांव के सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इस गांव में बहुत सालों पहले पालीवाल ब्राह्मिन्स रहते थे एंड ड्यू टू सम अननोन एंड मिस्टीरियस रीजंस ये गांव रातों रात खाली हो गया एंड सिंस देन इट्स टोटली अबैंडन्ड एक्सेप्ट अ प्रीस्ट हु इज स्टिल लिविंग इन अ टेम्पल इन मिडिल ऑफ दिस अबैंडन्ड विलेज। मैं तो खाबा फोर्ट दिन में गया था लेकिन सनसेट के बाद अगर कोई वहां जाता है तो वो वापस नहीं आता। लेकिन आप वापस आ सकते हो और आज का सनसेट जैसलमेर फोर्ट के सामने किसी भी कैफे में बैठकर एंजॉय कर सकते हो। बाय द वे द प्लेस आई एम सिटिंग राइट नाउ इज जैसलमेर और जैसलमेर फोर्ट के पीछे सनसेट होता हुआ काफी खूबसूरत दिखाई देता है। And this is where you can chill for some time, enjoy the views, and call it an end of day 2 in Jaisalmer. थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छी सर्विसेज थी। बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। तो ये मेरा फ्रेंड है जैसा मैंने बताया था आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में, इसका नाम है भीम सिंह। तो ये जो पूरी कैंप साइट आप देख रहे हो जो मैंने आपको दिखाई है इसी की कैंप साइट है, तो बहुत पर्सनलाइज आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो लिंक नीचे है, मजा आ जाएगा जैसलमेर में चिल कम्युनिटी। मतलब ड्यून्स के अंदर आके हार राइड और ड्यून्स में जाके एकदम कैंपिंग, बॉनफायर, यहाँ कल्चरल फील सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। सो डेफिनेटली चेकआउट, और जैसलमेर आ रहे हो तो भाई को याद करो। ज़्यादा सही, चल चलो निकलता हूँ। आज सुबह सुबह जैसलमेर को अलविदा कहने से पहले आप जासेरी तालाब विजिट कर सकते हैं। जासेरी तालाब 700 साल पुराना है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सालों में ये आज तक कभी नहीं सूखा और ये आज भी आसपास के गांवों की वाटर नीड्स को पूरा कर रहा है। इन मिडिल ऑफ दिस वाइड डेजर्टेड लैंडस्केप जासेरी पॉन्ड लुक्स अनबिलीवेबल। और हाँ, अपनी जैसलमेर की दो दिन की ट्रिप खत्म करने के बाद मैं जरूर कहूंगा, व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम यू विजिट राजस्थान, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वो कहते हैं ना, राजस्थान न जाने क्या दिख जाए। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए राजस्थान के लोगों से। एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप चिलिंग, कीप एंजॉयिंग। दिस वाज ट्रैवलिंग मंडेज, दिस वाज यू ब्रू। टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट। बाबा यू आर ब्यूटीफुल। खड़ी खंबा।